सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आई होप सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो शुरू हो रही है कुछ इस तरह की जगह से, और अभी टाइम हो रहा है 4:58, 5 बजने वाले हैं। सो एक कॉर्नर, भाई क्या कॉर्नर हो रही है बाइक। सो गाइस, अभी मेरी बाइक में आ रही है चेन में दिक्कत। सो काफ़ी टाइम से बारिश वगैरह हो रही है, तो भाई इस कारण चेन बहुत ही ज़्यादा साउंड कर रही है यार, बहुत ही ज़्यादा रेत वगैरह सब कुछ इसमें घुस चुका है। सो अभी इसको वॉश करवाएंगे और इसकी चेन को लूप वगैरह करवाएंगे। सो देखते हैं, बहुत गंदी आवाज़ कर रही है भाई, इतनी ज़ोर से आवाज़ कर रही है ना भाई, इतनी इरीटेटिंग आवाज़ है। और सो अभी बाइक में फ्यूल भी नहीं है, ये देखो ब्लिंक कर रहा है। सो फ्यूल भी फिलअप करवाएंगे, और पहले चलो अभी करवाते हैं काम चल के। सो गाइस, इधर का व्यू देखो भाई, क्या व्यू है यार। अभी बारिश लगी हुई थी, सुबह से बारिश लगी हुई थी। सो अभी व्यू ऊपर का एकदम बादल वगैरह है ऊपर। चलो जल्दी से चलते हैं, अभी काम करवाते हैं इसका। ये बहुत दिक्कत है यार, इसकी चेन एक तो बहुत ही जल्दी ढीली हो जाती है भाई, इतनी जल्दी ढीली हो जाती है ना, हर 500 किलोमीटर के बाद इसको टाइट करवाना पड़ता है। ऊपर की तरफ चलते हैं, उधर एक मैकेनिक की शॉप है, उधर ही करवाते हैं काम चल के। सो गाइस, ये रही मैकेनिक की शॉप, इधर करवाते हैं काम चल के। चेन टाइट कर देना इसकी, और लूप भी कर देना थोड़ी सी, बहुत गंदी आवाज़ कर रही है। सो गाइस, फाइनली चेन वगैरह का काम करवा लिया अभी, और लूज़ तो नहीं थी गाइस इतनी, बट सूख गई थी गाइस चेन पूरी पूरे तरीके से। सो अभी लूप वगैरह करवा लिया, तो एक लूप मुझे लेना ही पड़ेगा। सो अभी साउंड काम हो चुकी है बाइक की चेन की। सो अभी पेट्रोल डलवाना था, पेट्रोल डलवाने के लिए तो रह गया। सो नीचे चलते पहले पेट्रोल डलवा के आते हैं। सो गाइस, पता नहीं क्यों आजकल ब्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। सो तभी मेरे ब्लॉग से इतने लेट आ रहे हैं, अभी तो और लेट आएंगे। तो कुछ टाइम तक किया है, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा अपना काम। तो अभी चेन एकदम ठीक हो चुकी है, कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं कर रही है, इतनी ज़्यादा लूज़ नहीं हुई थी इस बार। सो पिछले टाइम तो जब से बाइक ली है ना, तो हर 1000 किलोमीटर के बाद मुझे इसकी चेन को टाइट करवाना ही पड़ता था। सो इस टाइम तो ज़्यादा चल चुकी है, बट लूज़ नहीं हुई है चेन। सो गाइस, ये रहा सामने पेट्रोल पंप। सो चलो पेट्रोल फिलअप करवाते पहले। सो गाइस, फिलअप वगैरह करवा लिया। सो गाइस, चलो अभी ऊपर की तरफ घूम के आते हैं थोड़ा सा। पूरे दिन बारिश लगी थी गाइस, बोर हो चुके हैं अभी यार। सो गाइस, ये बंदा देखो कैसे सनरूफ से बाहर निकल के मजे ले रहा है, पुलिस वालों ने पकड़ा ना, लीगल है गाइस ये वाला काम। सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके कुछ इस तरह की जगह पे, और अभी जाना है हमने राइट साइड। सो इस तरह पीछे वॉर मेमोरियल, सो इसको भी घुमाएंगे, आपको भी टाइम लगेगा। तो सो गाइस, एक तो इधर के रास्ते भूल जाते हैं ना, मिलते तो सभी एक दूसरे रास्ते के साथ ही हैं, बट तो अब ये रास्ता पता नहीं कहाँ पे मिलेगा जाके। सो इधर से पूरा धर्मशाला दिखाई देता है, ये देखो। ओ
सी। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं धर्मशाला का जो व्यू पॉइंट है, सेल्फी पॉइंट जो भी बोलते हैं इसको, उस जगह पे। सो इधर से दिखाता हूं आपको नज़ारा। इधर रुकते हैं साइड में। ये देखो भाई क्या नज़ारा है, वो सामने नीचे स्टेडियम और यहाँ से पूरा ऐसा दिखाई देता ही कुछ, नीचे कितना सारा पानी। और ये देखो एक बार, है ना एकदम मस्त व्यू। सो गाइस अभी इसका चेन का जो इशू था वो सॉल्व हो चुका है, लूप कर दिया है। सो अभी साउंड वगैरह कुछ नहीं कर रही इतनी ज़्यादा। सो अभी इसकी सर्विस होनी है, बट अभी थोड़ा सा 500 किलोमीटर के बाद होगी, सो वो भी करवाएंगे। सो गाइस यही था कुछ आज की वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अभी फिर से बोल देता हूँ भाई, ब्लॉग्स जो हैं वो थोड़े से लेट आएंगे, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम तक लेट आएंगे, उसके बाद देखेंगे रेगुलर। सो गाइस इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइज़।